पंचायतों की बात करेगा, वो दिल्ली पर राज करेगा। प्रधान एकता जिंदाबाद, प्रधानों का शोषण प्रधान है जो हजारों नौजवान क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की बलि दी, ये उनकी उनकी मांग को हम पूरा करने के लिए, उनके सपने को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय प्रधान संगठन भारत के सभी राज्यों में पंचायतों को संपूर्ण जो वैधानिक दर्जा है, जो संविधानिक दर्जा है, उस दर्जा को लागू कराने के लिए हम लोग ये मिशन चला रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि 5 मिनट हम लोग बड़ी गंभीरता से लोगों के लिए। सहारनपुर की धरती बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीते जो कई वर्षों से हम लोग आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाकर इस राज्य सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। बीते 12 दिसंबर को ये लखनऊ के सभी जिलाध्यक्षों के बीच में ये निर्णय लिया गया था कि इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हम लोग आगामी 28 जनवरी से और 27 फरवरी तक ग्राम स्वराज जागृति अभियान उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलाने का काम करेंगे। और इसकी शुरुआत हम क्रांतिकारी भूमि, जो जहां के प्रधान बहुत ही ज्यादा जोशीले भी हैं और क्रांतिकारी भी हैं, उन क्रांतिकारी भूमि से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो मैं सभी के लिए, पहले तो सहारनपुर के सभी साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 40 के बाद 92 और 93 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत आपको 29 अधिकार दे दिए गए, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत पूर्व की सरकारों ने और यहाँ तक कि वर्तमान सरकारों ने उन अधिकारों को अधिकांश राज्यों में लागू नहीं होने दिया। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इसी भारत का एक राज्य केरल है, और केरल में वो अधिकांश जो अधिकार हैं वो लागू हैं। वहां पर गांव का एक ऑफिस है, एक कार्यालय है। जब आपका कोई भी अधिकारी हमारे गांव में जाता है, तो हम उसको ऐसे समझो जैसे हमारे लिए कोई देवता आ गया हो। हम हर तरह से उनका आदर सम्मान करने का काम करते हैं, लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ हमारा जब प्रधान साथी अगर तहसील में या कोतवाली में जाता है, तो उसके साथ बड़ा ही एक सौतेला व्यवहार उससे किया जाता है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि हम इस सिस्टम का ही अंग हैं, जो पंचायत के सशक्तिकरण को लेकर कई वर्षों से हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो संवैधानिक दर्जा हमको प्राप्त है, जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, वो उसको उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी राज्यों में उसको लागू किया जाना चाहिए।